क्या आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट हो चुका है कि यंग प्लेयर्स नेशनल टीम में खेलने की जगह आईपीएल को प्रेफरेंस देने लग गए हैं। दोस्तों, आईपीएल आने वाला है, इंडिया का त्योहार आने वाला है, जिसे हम सब मिलकर दिवाली की तरह ही सब साथ में मनाते हैं। एक महीने से भी कम टाइम रह गया है, फिक्स्चर भी आ चुका है। 22 मार्च को पहला मैच चीकू भैया की दिल जीतने वाली आरसीबी खेलेगी माही भाई की ट्रॉफी जीतने वाली सीएसके के साथ। जिन लोगों ने 19 नवंबर की रात को कसम खाई थी कि आज के बाद मैं तो मैच कभी नहीं देखूंगा, वो लोग सबसे पहले 7:30 बजे स्क्रीन के आगे बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे आपको, क्योंकि आईपीएल आ रहा है भाई। आईपीएल जो शायद वर्ल्ड कप से भी बड़ा है, नेशनल टीम से भी बड़ा है। थोड़ा सा अटपटा लगा ना, लगना भी चाहिए यार, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसपे चर्चा करने में कई लोगों पे सवाल उठेंगे। कुछ सिलेक्टर्स पे उठेंगे तो कुछ प्लेयर्स पे उठेंगे कि क्या आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट हो गया कि प्लेयर्स नेशनल टीम में खेलने की जगह आईपीएल खेलने के लिए तरस रहे हैं। मगर उससे पहले, अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं स्पोर्ट बस। दोस्तों, एक वक्त था, एक दौर था, जब हम सब ने बचपन में ये सपना जरूर देखा होगा कि यार मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, मैं इंडियन टीम के लिए खेलूंगा। हम जब बचपन में चैन कुली की मैन कुली या फिर इकबाल मूवी देखा करते थे तो मन करता था कि यार ये मूवी खत्म हो, अभी बैट लेके बाहर जाऊंगा, ऐसा खेल के आऊंगा कि सीधा पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और जो लोग इस सपने को सही में पूरा करने के लिए, और जो यंग क्रिकेटर्स, जो यंग बच्चे या टैलेंटेड बच्चे मैं कहूँ, इस सपने को सही में पूरा करना चाहते थे, वो ना जाने क्या क्या कर जाते थे अपने क्रिकेट को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कन्वर्ट करने के लिए। सिलेक्टर्स की उन पे नजर पड़ जाए उसके लिए वो क्रिकेटर्स ना जाने कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की ट्राई करते थे। देख लेना पहले से कि सिलेक्टर लोग कहां बैठे हैं। प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता था, तब जाके काफी टाइम लेने के बाद उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिला करता था। मगर अब यंगस्टर से पूछा जाए कि भैया क्रिकेट में आपका सपना क्या है, तो वो ये कहेंगे कि कोई आईपीएल का सीजन ऐसा आ जाए, कोई बड़ी सी फ्रेंचाइजी मुझे खरीद ले, अंधा पैसा मेरे मुंह पे फेंक के मारे, मैं उसके बदले में उनको इतना तगड़ा परफॉर्मेंस करके दूं कि अगले साल मैं अपना ही रेट डबल कर दूं, पैट कमिंस और स्टाफ से महंगा बिक रहा हूं, 16-17-18-20 करोड़ रिकॉर्ड फाड़ रहा हूं, अलग ही लेवल का हो रहा है मामला, उसके बाद कभी मेरे घर पे जैसा आ रहा है कह रहा है इंडियन टीम में तीनों फॉर्मेट में खेलने को मिल जाए, कभी आगे मेरे को ऐड वाले कह रहे कि इस ऐड में ठुमका मार दो, करोड़ों ही करोड़ों दे रहे हैं, मजे ही मजे हो रहे हैं, मस्त प्लान है। मगर क्या सेलेक्टर्स भी ऐसा सोचते हैं कि आईपीएल से प्लेयर्स को लाना ज्यादा कन्वीनियंट और फायदेमंद है, ना कि उन लॉन्ग फॉर्मेट से जहां से अब तक प्लेयर्स आ रहे थे? सवाल तो खड़ा होता है, मगर बात ये थी कि सवाल डेब्यूटेंट्स के लिए खड़ा हो रहा था। फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग, जो चुनिंदा प्लेयर्स जिन्हें जाके मौका मिलता है कि वो मेन इन ब्लू को रिप्रेजेंट कर सके, वो डेडिकेशन और पैशन की जगह अपना रुख पैसों की तरफ मोड़ लेते हैं। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात करूं तो आपकी आंखों के आगे भी कुछ चेहरे आ ही गए होंगे, जो पूरा साल तो पता नहीं कहां रहते हैं, मगर जैसे ही आईपीएल आता है उसी वक्त इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हार्दिक पांड्या, जो कि T20 फॉर्मेट के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स में से एक कहलाते हैं। उन्होंने अपने मेडन अटेम्प्ट में ही आईपीएल की ट्रॉफी जीती, जिसके चलते उन्हें इंडियन टीम की भी कप्तानी पकड़ाई गई थी, मगर इंडियन टीम में खेलने की जगह वो आखिर में होते क्या है, चोटिल होकर घर चले जाते हैं। कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हमने कितनी बार देखा कि हार्दिक पांड्या को बीच मैच में चोट लगी और उनकी रिप्लेसमेंट मंगानी पड़ती है। हाल ही में वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जिसके चक्कर में एंड मोमेंट में प्रसिद्ध कृष्णन को लाया गया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी वापस मिलती है, कॉन्ट्रोवर्सी तो चालू हुई ही थी, मगर साथ ही हमें काफी सारी वीडियोस देखने को मिल रही है और उसके चलते उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है कि इतने तो हार्दिक पांड्या फील्ड पर नहीं दिखाई देते जितने उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी ये वर्कआउट की और प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस डाल दी है। सिमिलरली ईशान किशन के साथ भी यही चीज हो रही है। ईशान किशन ने बोला कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, मैं काफी ज्यादा क्रिकेट खेलने से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो उन्होंने बोर्ड से छुट्टी मांगी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप पे फोकस करने के लिए, जिसके चलते थोड़े दिन बाद वो दुबई में दिखाई दिए पार्टी करते हुए, जिस बात पे उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। मगर कल ही इनकी एक पिक्चर आई है जहां पे ये वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबको अंदेशा हो गया कि भाई आईपीएल की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले साल बुमराह के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया था, बुमराह काफी टाइम तक बाहर रहे थे और वो एशिया कप में जाके वापस आए थे। उधर इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद, मौत के मुंह से वापस आने के बाद ऋषभ पंत की रिकवरी का हर कोई वेट कर रहा था। धीरे धीरे करके वो वीडियोस डालते थे, फोटो डालते थे कि आज मैं इतना बेटर हो गया, इतना बेटर हो गया। डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल से भी अनाउंस कर दिया कि ऋषभ पंत वापस आ रहे टीम में, कप्तानी भी संभालेंगे और एक फुल टाइम बैटर की तरह आएंगे। अभी उनके विकेट कीपिंग करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि डाउट है, मगर उनकी वीडियो सामने आई थी जहां पे अभी कुछ दिन पहले वो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो भी तैयार हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर जो अपने बैक की प्रॉब्लम से परेशान थे, और सूर्य कुमार यादव जो कि अपने पैर की इंजरी की सर्जरी करा के आए हैं, इन दोनों ने भी काफी टाइम से ब्रेक ले रखा है, मगर सबको यह पता है कि आईपीएल आने वाला है और ये भी वापसी करेंगे।
जहां दूसरे देशों में टीम में प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट दे दी जाती है, उनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पे रोक लगा दी जाती है कि आप पहले नेशनल ड्यूटी कीजिए, उसके बाद किसी कमर्शियल टी20 लीग में खेलने जाइएगा। और वहीं इस तरफ हमारे नौजवान कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि उनको पता ही नहीं कि उनके पीछे कितने सारे यंगस्टर तैयार बैठे हुए हैं कि एक चूक हो और हमें मौका मिल जाए। और काफी सारे यंगस्टर्स का डेब्यू भी हो चुका है और वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो इन सब की आईपीएल के सहारे वापसी है वो इम्पोर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आईपीएल के जस्ट बाद टी20 वर्ल्ड कप है और टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने सिर्फ 3 टी20 सीरीज खेले जिसमें भी सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीज का भी डाउटफुल रहेगा कि अब अगर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम इंडिया में जगह मिलेगी, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। उसी के साथ साथ कप्तानी पे भी अभी तक डाउट लगा हुआ है कि क्या रोहित शर्मा ही टीम की कमान संभालेंगे या फिर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव संभालेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से तो इन दोनों ने ही टीम को संभाल रखा है और इन दोनों की कप्तानी में टीम खेली जा रही है और इन्होंने रिजल्ट भी ला के दिए थे, मगर बहुत टाइम से ये लोग टीम से ही गायब है, इंजर्ड है। वापस आएंगे कैसे खेलेंगे क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता, इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। तो आईपीएल इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। वैसे आप मुझे बताइए कि इंडियन टीम की कप्तानी किसको संभालनी चाहिए टी20 वर्ल्ड कप में, और ये भी बताइए कि ऐसे कौन से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स या फिर रिस्ट्रिक्शंस बनाने चाहिए कि अगर आप खेल रहे हैं तो कैसे खेलें और अगर आप टीम से ब्रेक ले रहे हैं तो आपको क्या क्या करना होगा उस ड्यूरेशन में, ताकि इन प्लेयर्स में जागरूकता बनी रहे कि इनके लिए पहली प्रायोरिटी नेशनल टीम है ना कि आईपीएल फ्रेंचाइजी। वैसे तो कुछ चेंजेस हुए हैं मगर उसके बाद मुझे लग नहीं रहा कि इन लोगों के व्यवहार पर कुछ ज़्यादा बदलाव आया है और उन्हें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि We are all servants and we are all doing national duty. बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना और आपसे मैं जल्दी मिलूंगा किसी और नए तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए स्पोर्ट बस।